दादाजी, पापा। ओहो, पापा तो सो रहे हैं। आज संडे है ना? दादाजी शायद रूम में होंगे, रूम में देखता हूँ। दादाजी, ओहो हो 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 हो, दादाजी इस पगड़ी में तो एकदम डैशिंग लग रहे हो, है ना? ये पगड़ी अच्छी लग रही है ना? अरे दादाजी, बहुत अच्छी लग रही है। इसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई, पावरफुल पर्सनालिटी। वैसे दादाजी, आज आपने ये पगड़ी क्यों पहनी? अरे बेटा, ये पेटी साफ कर रहा था तो ये पगड़ी हाथ में आ गई है, तो मैंने सोचा जमाना हो गया पगड़ी पहने हुए, आज पहन के देखता हूँ, तो पहन ली। तुझे पता है टप्पू, पहले मैं गांव में पगड़ी पहनता था। अरे वाह, तो फिर यहाँ पर ये पगड़ी क्यों नहीं पहनते? अरे बेटा, जैसा देश वैसा भेष है। अभी यहाँ पे तो कोई पगड़ी पहनता नहीं है, तो मैं अगर अकेला पगड़ी पहन के बाहर निकलूंगा तो मुझे तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी सब लोग ऐसे हैरान होकर मेरे सामने देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पगड़ी की जगह टोपी पहनना ही ठीक समझा। तो दादाजी, आप गांव में हमेशा ही पगड़ी पहन के रखते थे? हाँ बेटा, क्योंकि पहले के जमाने में सबके सर पे पगड़ी रहती थी। औरतों के सर पे पल्लू और मर्दों के सर पे पगड़ी। पहले के जमाने में सर पे पगड़ी को भी एक संस्कार माना जाता था। संस्कार? हाँ बेटा, पहले के जमाने में खाली सर घूमना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, बिना पगड़ी के घूमना शर्म की बात मानी जाती थी। पहले सर ढककर रखना होता था, लेकिन अब तो सब खुले सर ही घूमते हैं। अभी समय के साथ परिवर्तन भी तो हो रहा है कि नहीं बेटा? और तुझे पता है टपुड़ा, पहले के जमाने में पैरवेश और पगड़ी से पता चलता था कि वो व्यक्ति कौन से प्रांत का है, और हर प्रांत की पगड़ी की डिजाइन अलग अलग होती थी। ओहो, ये जो मैंने पहनी है ना, इसे कच्ची पगड़ी कहते हैं। अरे वाह दादाजी, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आप पुरानी चीजें कितनी संभाल के रखते हैं। अरे टप्पू बेटा, ये सब पुरानी चीजें तो हमारी विरासत है, विरासत। अभी ये सब चीजें धीरे धीरे समाज से खो गई है, लेकिन मुझे तो अभी भी पुराना समय, पुरानी विरासत, पुरानी चीजें जान से भी प्यारी है। अरे इसीलिए तो इतना संभाल के रखता हूँ। दादाजी, वो लकड़े पे जो डिजाइन है वो क्या है ये? अरे बेटा, इसे ढींचणियों कहते हैं, ढींचणियों। ढींचणियों? ढींचणियों मतलब? मतलब ये ढींचण बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, घुटना। ओ अच्छा, समझा? तो मतलब ये नी पे क्या, कैसे काम आता है ये? अभी तो क्या है ना बेटा, जमाना बदल गया है। हम सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, बुफे में खड़े खड़े रहकर खाना खाते हैं, लेकिन पहले के जमाने में तो सब लोग घर में या किसी की शादी में या किसी भी कार्यक्रम में सब लोग नीचे बैठ के ही खाना खाते थे, और ये ढींचणी में ना वो ऐसे रखते थे, ऐसे रखते थे, इसलिए इसे ढींचणियों कहते हैं। अरे वाह, सब लोगों को ऐसे इसे नीचे रख के बैठ के खाना खाने की आदत थी। दादाजी मुझे भी दिखाइए ना। अरे वाह, है ना एकदम आरामदायक? हाँ बहुत कंफर्टेबल है ये तो। और ये देख, ये तो तुझे पता ही है क्या है? कलश। हम लोग इसे कलशू कहते थे। उस जमाने में हम पानी इसी से पिया करते थे, ग्लास से नहीं। और तुझे पता है टपुड़ा, मेरी माँ तो रोज सुबह ये पूरा कलशू भर के मुझे दूध पिलाती थी। तो दादाजी आप ये पूरा कलश भर के दूध पीते थे? तो अभी तो इतना सेहतमंद हूँ। अरे वाह, बांसुरी। ये मेरे पिताजी ने मुझे जन्माष्टमी के मेले में लेके दी थी। अरे वाह। और ये देख टपुड़ा, तुझे मस्त चीज दिखाता हूँ। ये देख, ये है चौपाट। कैसे खेलते थे ये देख, ये तुम लोग अभी इसे क्या कहते हो अंग्रेजी में? डाइस। ये
ऐसे खेलते थे चौपाट। तुझे पता है टपुड़ा, मैं और मेरे दोस्त पूरा दिन इन गांव में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ये चौपाट खेलते थे। अरे वाह, मस्त है दादाजी। अरे वाह, ये खेल के तो मजा आ जाएगा दादाजी, हम लोग भी एक बार खेलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का। ला ला, संभाल के रख देता हूँ। और एक चीज दिखाऊं, ये देख, ये है कान की बाली है। मैं जब छोटा था ना तभी पहनता था। क्या, आप बचपन में बाली पहनते थे? गांव में सभी बच्चे लोग ये पहनते थे और कोई कोई तो बड़े होकर भी पहनते थे। दादाजी प्लीज, आप कान में बाली लगाइए ना, मैं आपकी फोटो लेता हूँ बाली और पगड़ी के साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी ये बाली कहाँ पहन पाऊंगा, मेरे कान के छेद तो कब के भर गए हैं। तुझे ये पगड़ी में फोटो लेनी है तो ले, क्योंकि अभी ये भी मैं अंदर रख रहा हूँ। नहीं, 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 रुको रुको, मैं फोटो लेता हूँ आपकी, एक मिनट। हाँ ले, स्माइल स्माइल दादाजी। अरे वाह दादाजी, इस पगड़ी में तो आप महाराजा लग रहे हो। हाँ चश्मे वाला महाराजा। दादाजी दादाजी पोज चेंज कीजिए ना, और एक फोटो लेता हूँ मैं। स्माइल दादाजी, स्माइल स्माइल। दादाजी यहाँ बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, बाहर झूले पे जाके फोटो क्लिक करते हैं। आप ऐसे महाराजा की तरह बैठ जाना, बहुत मस्त पिक्चर जाएंगे। चलिए 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 ना दादाजी, चलो जल्दी 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 आइए। अरे बस बस कर टपुड़ा, अभी बहुत हो गया, चल जेठिया के साथ फोटो खींचते हैं। ये देख जेठिया, देख मुझे तो लगा था अब तक तो ये नाकर तैयार हो गया होगा, लेकिन नहीं, देखो ये नींद का राजा, 9 बज रहे हैं फिर भी सो रहे। और पापा कितनी गहरी नींद में सोए, हमारी आवाज से उठे भी नहीं। नींद के मामले में पापा बहुत लकी है। हाँ? और आलस और सुस्ती के मामले में भी लकी है, और मेरी डांट खाने के मामले में भी लकी है। अभी कभी तो मैं सोचता हूँ टपुड़ा कि जेठिया गलती करता है इसलिए मैं डांटता हूँ, कि मैं डांटू इसलिए जेठिया गलतियां करता है। अभी देखना, अभी जैसे ही डांटूंगा ना तुरंत उठ जाएगा। दादाजी दादाजी, आप पापा को डांटिए मत, हम पापा को अलग तरीके से उठाते हैं। अलग तरीके से मतलब? हाँ ठीक है ठीक है, छूटते मैं ये पगड़ी रखता रहता। हाँ हाँ हाँ, घर में बिल्ली घुस गई क्या? लगता है बापूजी और टप्पू से घर का दरवाजा खुला रह गया होगा। हमेशा मुझे कहते रहते हैं कितना लापरवाह है तू, अभी किसने लापरवाही की? अभी बेडरूम से बिल्ली की आवाज आ रही थी, इतनी देर में बाहर चली गई। अरे ये तो पूरे घर में फरा फर कर रही है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, वरना ये तो नाखून से सोफे वोफे फाड़ देगी। बेडरूम में ही है। बिल्ली की आवाज बेडरूम में सभी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, घर में कितनी बिल्लियां घुस गई है।
बिल्ली के पीछे पीछे कुत्ता भी घर में घुस गया है क्या? घर में कितने कुत्ते बिल्ली घुस गए हैं? पप्पू जी, आप आवाज कर रहे थे? तो और नहीं तो क्या? पप्पू बेटा बाहर आ गया। क्या पापा आप डर गए? देख इसकी शक्ल देख। ये सुबह सुबह क्या मजाक है टप्पू? अरे भाई ये मजाक तेरे भले के लिए ही था। मेरा भले के लिए? हाँ, वो क्या है ना कि अभी सुबह 9 बजे तक तू सो रहा था तो मैं तुझे डांट के जगाने वाला था, लेकिन टप्पू ने मुझे बोला कि नहीं नहीं दादाजी, अब पापा को डांटिए मत, उनके साथ मजाक करते हैं और जगाते हैं। पापा आप मुझे थैंक यू कहिए। थैंक यू वाली, तू पहले मुझे सॉरी बोल। सॉरी क्यों? तेरे मजाक के चक्कर में मेरा मस्त स्वादिष्ट सपना चकनाचूर हो गया। स्वादिष्ट सपना? हाँ बापूजी, मैं इतना मस्त सपना देख रहा था। रविवार की सुबह है, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ। तू डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा था तो टेबल टूटा नहीं? डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ मतलब टेबल के ऊपर नहीं बापूजी, इधर ये मैं जहाँ बैठता हूँ ना इधर ये कुर्सी पे बैठा था। अच्छा। और पूरा टेबल एकदम ऐसे जलेबी फाफड़ा से एकदम पूरा भरा हुआ था। पूरा टेबल? पूरा पूरा टेबल, देख इधर ये एक पट्टा पूरा गर्मा गर्म जलेबी का था, बीच में वो पपैया का सांभर और तली हुई हरी मिर्ची का था, और इधर एक पूरा पट्टा गर्मा गर्म फाफड़ा का था, और जलेबी के ऊपर तो केसर और देसी गुलाब की पंखुड़ियां छिड़की हुई थी। तो देसी गुलाब की क्या सुगंध आ रही थी। कड़ी? पापा कड़ी नहीं थी? कड़ी? कड़ी की फिर जगह ही नहीं बची थी ना, तो मुझे लगता है वो अपने आप समझ के सपने में आई ही नहीं। अच्छा। लेकिन सच में क्या खुशबू आ रही थी जलेबी फाफड़ा की। एक हाथ में मेरे जलेबी, एक हाथ में फाफड़ा, और फिर मैं दोनों ऐसे एक साथ खाने ही जा रहा था कि इतने में तेरे मियाँ ने मुझे जगा दिया। तो फिर पापा आज आपने जलेबी फाफड़ा का सपना भी देखा है और आज रविवार भी है, तो आपका जलेबी फाफड़ा खाने का मन तो हो गया होगा? नहीं। अरे हो गया होगा क्या? हो गया है। पापू जी आज रविवार भी है तो आज खाते हैं। मैं जाकर लेके आता हूँ बापू जी जलेबी फाफड़ा। अरे क्या जलेबी फाफड़ा खाते हैं? पहले अपना वजन कम कर, ये पेट कम कर, फिर खाना जो खाना है वो जलेबी फाफड़ा कचोरी समोसा। बापू जी आप मेरे बापू जी, आप अंजलि बापी मत बनिए। अंजलि बापी हमेशा मेहता सबको टोक टोक करते ना, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा आप मत कीजिए बापू जी। दादाजी जिस तरह से पापा ने अपने सपने को डिस्क्राइब किया ना, तो वो सुनकर मुझे भी जलेबी फाफड़ा खाने का मन तो हो गया है। चल चल ठीक है आज खाते हैं। यस, तो मैं अभी गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लेकर। इधर इधर, नहीं तू नहीं, मैं जाऊंगा। अरे पापा मैं लेकर आता हूँ ना। अरे नहीं बेटा समझ, मैं जाऊंगा, मुझे जाने दे। समझ बेटा, उसे जाने दे। वो क्या है ना, सबसे पहले ये जेठिया जलेबी फाफड़ा की दुकान पे जाके पेट भर के फाफड़े की खुशबू लेगा है? फिर वो हरी मिर्च और संभारा ज्यादा डलवाएगा, फिर वहीं खड़े खड़े एक प्लेट जलेबी फाफड़ा खाएगा, फिर घर लेकर आएगा और घर पर वापस खाएगा, है ना जेठिया? चले बापू जी मैं जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ बापू जी। ऐसे ही जाएगा बिना नहाए? नहीं नहीं, नहा के पूजा करके फिर जाऊं। ठीक है ओके।
ओम मित्राय नमः, ओम रवय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदि देव नमस्तुभ्यं, प्रश्न भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। क्या देख रहा है? नहीं देख रहा था, सखाना पे कहीं पानी तो नहीं गिरा? अरे हाँ नहीं गिरा, नहीं इसमें है थोड़ा, गिराता हूँ, रुक। ए जटिल क्या कर रहे हो? क्या भिड़े तू भी यार, ये लोटे में से इतना सा पानी गिरता है उसमें तू ए कर रहा है। लेकिन फुल बारिश तेरे सखारम पे गिरती है उसका क्या? बारिश का पानी गिरता है उसमें प्रॉब्लम नहीं है जेठालाल, तुम जो जल अर्पण करते हो ना वो डायरेक्ट जमीन पे गिरता है और फिर वो जमीन पे से मेरे सखारम पे मिट्टी के छींटों के साथ उड़ता है और सखारम गंदा हो जाता है। अच्छा, लेकिन फिर बारिश होती है तो जो गंदा सखारम है वो धुल जाता है ना? ओ, 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 भाई कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा हूँ, मुझे पता है फिर भी मैं तुम्हारे साथ उलझ जाता हूँ, गलती मेरी ही है। हाँ तो सॉरी बोल दे बिड़ू। किसको? अरे जेठा प्रा को। तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? ओए अभी तो तूने कहा कि गलती हो गई, तो सॉरी बोल के मामला खत्म करना। अरे कि मामला कुछ है ही नहीं तो क्या खत्म करूं? अरे तो फिर तूने क्यों कहा कि गलती मेरी है? अरे हाँ ये भी गलती हो गई। हाँ तो छोटी बराबर बोल रहे है ना भाई, गलती हो गई है ना तो सॉरी बोल दे, मामला खत्म कर, बात खत्म कर। तुम क्या बोल रहे हो सॉरी बोल जेठालाल, तुमको तो मालूम है ना बात क्या है। ओ यारो कोई मेनू भी तो दसो की बात क्या है। अरे कोई बात नहीं भाई, मैंने जेठालाल को बोला कि मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसे हो, उस संदर्भ में मैंने बोला था कि गलती मेरी है। कर लो। सच बताओ तो बिड़ू मुझे काय नहीं कर लो। अरे छोड़ना भाई छोटी, बात में कुछ दम है ही नहीं, समझने जैसा कुछ है ही नहीं, अगर समझने जाएगा ना तो कौड़ वड़ जाएगी भाई। क्या? ओ छोड़ छोड़। अच्छा तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा पपैया का संभारा तली हुई हरी मिर्च खाओगे? नहीं मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, तो सुबह नाश्ता नहीं करता? मैं सुबह नाश्ता करता हूँ और मेरा नाश्ता हो चुका है, मैंने अभी गर्मा गर्म थाली पीठ खाया। हाँ जेठाप्रा मैंने भी अभी अभी रोशन के हाथ के बने हुए पनीर के पराठे खाए। अरे तू तो गबरू जवान है छोटी यार, वो पनीर का पराठा तो यूं फटाफट हजम हो जाएंगे। ओ सच्ची जेठाप्रा आज बहुत खा लिया, पेट में जरा भी जगह नहीं है, वरना जरूर आता। अरे लेकिन अभी कहाँ खाना है भाई, अभी तो टाइम है, अभी तो मैं जा रहा हूँ जलेबी फाफड़ा लेने के लिए, वापस आऊंगा उसमें तो टाइम लग जाएगा, तब तक तो तेरा पनीर का पराठा और इसकी थाली पेट सब हजम हो गया होगा। बनाने का अपन बगू यार, मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आता हूँ जलेबी फाफड़ा, थोड़ी देर बाद अगर मन हो तो आ जाना घर पे खाने के लिए। ठीक है जेठा ब्रा, मन हुआ तो जरूर आऊंगा। अरे देखना मन होगा ही भाई, होगा होगा मन होगा। अच्छा भिड़ा जरा सखाराम की चाबी देना। क्यों? अरे बोला ना मुझे जलेबी फाफड़ा लेने जाना है। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा चाबी, सॉरी जेठा ब्रा। अरे तू क्यों सॉरी बोल रहा है छोटी? दरअसल मेरी गड्डी ना गैराज में, वरना मैं अपनी गड्डी की चाबी दे देता। वो चाबी क्या, मैं खुद लेके जाता तुम्हें अपनी गड्डी में। वाह वाह छोटी तू कितना दिलदार है दोस्त, सीख सीख बड़े छोटी से कुछ सीख। चल अभी तू भी उसके तरह दिलदार हो जा और दे दे शकराम की चाबी दे दे चल। अरे सांगी तो नहीं दे सकता। अरे क्यों नहीं दे सकता भाई? जेठालाल अगर मैंने जली हुई फाफड़ा लाने के लिए तुम्हें सखाराम को दिया तो कल को सोसाइटी का कोई भी मेंबर मुझसे पर्सनल काम के लिए सखाराम मांगेगा कि मुझे वड़ा पाव लाना है, मुझे भेल लानी है, मुझे सैंडविच लानी है। नहीं 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 नहीं, मेरा सखाराम मेरे लिए और सोसाइटी मेंबर्स को अगर इमरजेंसी हुई तो उसके लिए है। हाँ तो ये इमरजेंसी है भाई, जोरदार भूख लगी है, तूने तो थाली पेट भी खाई है, मैं तो बिल्कुल खाली पेट हूँ भाई, जल्दी से जलेबी फाफड़ा नहीं खाया ना तो चक्कर खा के यहीं गिर जाऊंगा। तो इमीडिएटली मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, तुम्हें ऐसे कंधे पे उठाऊंगा, सकराम के साइड कार पे लेटाऊंगा, हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। हेलो बाय। ओ जेठा ब्रा, ओ पिडू तो आपके बाउंसर पे सिक्स मार के चला गया। हां भाई हमारी गोकुलधाम सोसाइटी क्रिकेट का मैदान ही है और हर गोकुलधाम वासी क्रिकेटर है, सब अपना अपना बैट लेके तैयारी खड़े होते हैं, जैसा बाउंसर आया सीधा सिक्सर। रोशन जरा अंदर आओ तो। जेठा ब्रा चलो बुलावा आया है,
गोगी की माता ने बुलाया है। मुझे भी आना है? नहीं नहीं, सिर्फ मेनू। हाँ, तू बोला ना चलो जेठा प्राइस ले। वो तुकबंदी के चक्कर में ना, वो सॉरी सॉरी गलती हो गई। हाँ नहीं कोई ना कोई ना। दादाजी सुनाइए ना प्लीज, एक बार सुनाइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है। ए जीरे बापू जी मैं आता हूँ जलेबी फाफड़ा लेके। विजयी भव विजयी भव क्यों विजयी भव क्यों विजयी भव क्यों विजयी भव। अरे आज रविवार है जलेबी फाफड़ा की दुकान पे बड़ा बड़ी हो रही होगी। अरे इसीलिए मैंने कह दिया तुझे विजय बाबा भाई विजय बाबा विजय बाबा भाई विजय बाबा। बाबू जी मजा आ गया। आता हूँ फटाफट। अच्छा सुन। हाँ बाबू जी। हाँ तू अकेले ही जा रहा है कि मैं तो उसको साथ लेकर जा रहा हूँ? अरे बापू जी आप तो अंतर्यामी है। मैं अभी जाता जाता बस वही सोच रहा था कि मैं तो सबको भी साथ में लेता चलूं। मुझे लगा ही नहीं मैं तो उसको साथ लेकर मत जाना। क्यों? अरे क्या क्यों जेठिया, अरे तुम दोनों है ना आराम से गप्पे मारते मारते जाओगे और गप्पे मारते मारते आओगे, बहुत देर हो जाएगी, यहाँ भूख लगी है भाई। नहीं बापू जी ज्यादा बातें नहीं करेंगे बस। अच्छा मतलब थोड़ी बातें तो करोगे? थोड़ी बात तो करूंगा बापू जी, मेहता साहब से बातें करने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा मैं तुझ तो रोज सुबह जल्दी उठ जाता है, तो इतने सालों में उससे ये नहीं सीखा? लेकिन इस बारे में हम दोनों के बीच कभी कोई बात हुई नहीं बापू जी। वाह, लेकिन आज मौका मिलता है मैं इस विषय पर जरूर बात करूंगा। चल मैं आता हूँ। अच्छा सुनिए पापा। हाँ? मेरे लिए जलेबी थोड़ी ज्यादा लेकर आना। हाँ जरूर जरूर बेटा। हाँ? चल ओके आता हूँ बाबू। हाँ? जल्दी आना। दादाजी हर रविवार पापा फाफड़ा जलेबी खाने के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं ना, खुश हो जाते एकदम। और अभी भी देखिए ना कैसे उछलते उछलते फाफड़ा जलेबी लेने के लिए गए। लेकिन दादाजी आज पापा को फाफड़ा जलेबी नहीं मिलने वाले। अरे क्या बोल रहे हैं टप्पू तू? सच कह रहा हूँ दादाजी। क्या सच कह रहा हूँ टपूड़ा? जेठिया को अगर जलेबी फाफड़ा नहीं मिले ना तो उसकी तो रविवार की सुबह की पूरी मजा बिगड़ जाएगी। और जेठिया को क्यों नहीं मिलेंगे जलेबी फाफड़ा? नहीं मिलेंगे दादाजी, टप्पू जो कहता है वही होगा। अरे क्या वही होगा टपूड़ा? अरे तूने ही अभी जेठिया को बोला ना कि पापा मेरे लिए एक्स्ट्रा जलेबी लेकर आना, अभी तू ही बोल रहा है कि जेठिया को जलेबी फाफड़ा नहीं मिलेंगे। दादाजी पापा को फाफड़ा जलेबी तो मिलने ही नहीं वाले, लेकिन अब देखने कि पापा फाफड़ा जलेबी के लिए क्या क्या करते हैं। अरे बहुत दिन हो गए बबीता जी के दर्शन नहीं हुए, क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ बिजी हो गए? अच्छा याद है बबीता जी को भी जलेबी फाफड़ा का पूछ लेता हूँ। फोन लग ही नहीं रहा है, तो बरसात में सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करूंगा। देखता। अरे आओ आओ देना। अरे आओ आओ नहीं चलो। कहाँ? आपकी सुबह धमाकेदार कर ले। गुड मॉर्निंग जेठालाल। यार भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? मैं दादा आपके घर पर नहीं आ सकता जेठालाल, मैं दादा तुम्हारे परम मित्र है तो मेरे भी तो मित्र है ना। अरे जेठालाल अय्यर असल में मुझे हिंदी साहित्य की किताब देने आया था। आपने हिंदी साहित्य की किताब लिखी है? नहीं अय्यर ने नहीं लिखी, अय्यर को कहीं से भेंट में मिली तो उसे लगा उसका सबसे अच्छा पात्र मैं हूं इसलिए देने आया था। तो ठीक तो दे दी किताब। हाँ दे दी। बस तो फिर चलो। ले जा रहे हो जेठालाल? अंजलि भाभी अंदर है? नहीं नहीं अंदर नहीं है, वो बाजार गई है कुछ खरीदारी करने। वाह ठीक। अय्यर भाई आपने और बबीता जी ने नाश्ता कर लिया? क्यों? अरे भाई नाश्ता किया कि नहीं हो बोलो ना भाई, क्यों क्या मत पूछो। लेकिन जेठालाल हमने नाश्ता किया कि नहीं किया तुमको क्यों जानना है?
अरे भाई मैं अभी जलेबी फाफड़ा लेने जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? तो अगर आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया हो तो आप लोगों के लिए भी लेके आता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। थैंक यू जडेलाल, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और बबीता बाहर गया है। अरे जेठालाल, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया तो उनको छोड़ो ना, तुम मेरे लिए लेके आना। अरे लेके आना क्या भाई, मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए हम लोग साथ में चलते हैं और लेके आते हैं जलेबी फाफड़ा। मैं जरूर चलता जेठालाल, लेकिन मैं चल नहीं सकता। क्या हुआ आपके पैरों को? पैरों को कुछ नहीं हुआ जेठालाल, मैं चल नहीं सकता, मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंजलि गई है बाजार और घर की चाबी ले जाना भूल गई। अब वापस लौटेगी तो घर खुला होना चाहिए ना, इसलिए मुझे घर में रुकना जरूरी है, इसलिए नहीं चल सकता। अरे अय्यर भाई है ना, आप घर बंद करके चाबी अय्यर भाई को दे दो और अंजलि भाभी को फोन करके बता दो कि चाबी अय्यर भाई के पास है, उनसे वो ले लेंगे। और अंजलि को क्या बताऊं कि मैं कहां गया हूं? बोल देना आप मेरे साथ बाहर जा रहे हैं। बहुत अच्छे जेठालाल, तुम्हारे साथ बाहर जा रहा हूँ। आज है रविवार, अंजलि को पता है कि रविवार के दिन सुबह सुबह तुम जलेबी फाफड़ा खाते हो, और रविवार के सुबह अगर मैं तुम्हारे साथ कहीं जा रहा हूँ मतलब जलेबी फाफड़ा खाने जा रहा हूँ, सब समझ जाएगी वो। चलो मैं चलता है। अरे नहीं भाई, आप नहीं आ सकते हमारे साथ, ये मेहता सबकी चाबी आपको रखनी है ना। अगर आप हमारे साथ आएंगे तो अंजलि भाभी चाबी किससे लेंगे? अरे पर चाबी रखने की जरूरत ही कहाँ है, मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं नहीं आप आ रहे। लेकिन मैं नहीं आ रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप हमारे साथ नहीं आ सकते। जेठालाल मैं चलता है, मतलब मैं अपने घर पे जाने के लिए चलता है भाई। चलो आप क्या खड़े, चलो हम भी चलते हैं। चलो जेठालाल बताया ना मैं नहीं चल सकता। अरे चलिए ना मेहता साहब, अंजलि भाभी मार्केट गई, आने में बहुत टाइम लगेगा, उसके पहले तो हम लोग जलेबी फाफड़ा लेके आप भी जाएंगे और वहाँ जाके एक एक प्लेट खाएंगे भी ना, मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा, पपैया का संभारा, तली हुई हरी मिर्च और केसर युक्त जलेबी, मजा आ जाएगा। ठीक है फिर चलो। ये कौन? अंजलि और कौन? लेकिन मार्केट से इतने जल्दी आ गए? तो आ ही जाएगी ना जेठा, तुम कितनी देर से यहाँ टाइम पास कर रहे हो। आप चलो मेरे साथ, घर के ताला लगा दो, चाबी अय्यर भाई को दे दो, अंजलि आके अय्यर भाई से चाबी ले लेगी। अय्यर भाई आपको चलने की जरूरत नहीं, आप यहीं रुक जाओ, हम दोनों जाते हैं। क्या कितना टाइम पास कर रहे हो भाई? टाइम पास मैं कर रहा था, टाइम पास आप कर रहे थे मेहता साहब। मैंने क्या किया? पर मैंने तो आते ही बोल दिया था कि चलो, तो आप टाइम पास करने लगे। नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, क्या कि अंजलि बिना चाबी लिए गई है, तो जब आएगी तो घर खुला होना चाहिए ना, वगैरह वगैरह। अभी दरवाजा तो खोलिए, अंजलि भाभी कब तक बाहर खड़े रहेंगे? हाँ बोलता हूँ। आप कौन? जी आप बता सकते हैं टिपेंद्र जेठालाल गढ़ा जी का घर कहाँ पे? क्यों क्या हुआ? ये जेठालाल गढ़ा है टिपेंद्र के फादर। वो सर एक्चुअली जलेबी फाफड़ा का ऑनलाइन ऑर्डर था, वो मैं डिलीवरी देने आया हूँ। नहीं नहीं भाई, हमने कोई ऑनलाइन ऑर्डर दिया ही नहीं है। जेठालाल हो सकता है टप्पू ने दिया। नहीं नहीं टप्पू ने नहीं दिया था, कोई टिपेंद्र गढ़ा करके थे, उन्होंने दिया था। नहीं नहीं वही टिपेंद्र गढ़ा, उसे हम प्यार से घर में टप्पू कहते हैं। ओह अच्छा, लाइए। ये लीजिए सर। थैंक यू सर। मेहता साहब ये टप्पू का क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको पता है कि मैं घर से जलेबी फाफड़ा लेने के लिए निकला हूँ, वो खुद मुझे कह भी रहा है कि पापा मेरे लिए जलेबी जरा ज्यादा लेके आना, और अभी पीछे से ऑनलाइन ऑर्डर करके जलेबी फाफड़ा मंगा लिए। कब बड़ा होगा, कब समझेगा, हर बात में शरारत अच्छी नहीं होती है। पर जेठालाल टप्पू ने ऐसा क्यों किया है तो उसी को पता होगा, चलो उससे पूछते। टप्पू, अरे अब आ गए पापा। क्या हुआ? ये क्या है? पापड़ा जलेबी। अरे अब ले आए। तुझे पता था ना कि मैं जलेबी फाफड़ा लेने गया हूँ? हाँ। तो फिर ये ऑनलाइन मंगाने की क्या जरूरत थी? ओ अच्छा, ये ऑनलाइन ऑर्डर वाला है। हाँ क्यों मंगाया ऑनलाइन भाई, जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए? ए भाई क्या हुआ, गरम तेल में डली हुई राई की तरह उछल क्यों रहा है? अरे बापू जी देखे ना ये टप्पू, क्या किया टप्पू ने? बापू जी आप सुनेंगे ना तो आप भी उसको डांटेंगे। नहीं मैं उसे नहीं डांटूंगा, उल्टा मैं उसे शाबाशी दूंगा। देखा देखा मेहता साहब, बापू जी हमेशा टप्पू का ही पक्ष लेते हैं। अभी तो उन्होंने सुना भी नहीं कि उसने क्या शरारत की है, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं मैं उसे डांटूंगा नहीं, उसे शाबाशी दूंगा।
ठीक है ना जेठालाल, दादा को पोते से अतिरिक्त प्यार होता ही है। नहीं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन दादा को कभी कभी अपने बेटे की बातें सुन लेनी चाहिए ना। ये ठीक है चाचा जी, आपको अपने पोते से प्यार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बेटे की शिकायत पे भी आपको गौर करना चाहिए। ए महतूस, माना कि तुझे तेरा दोस्त ज्यादा प्यारा है, लेकिन कभी कभी है ना, अपने दोस्त के चश्मे से नहीं, सामने वाले के चश्मे से देख लेना चाहिए कि बात क्या है। मतलब ये कि टप्पू ने जो भी किया है ना, वो सही किया है, एकदम समझदारी वाला काम किया है। आपको पता है उसने क्या किया है? हाँ, क्या किया? यही ना कि उसने ऑनलाइन जलेबी फाफड़ा मंगाया है। बापू जी, वही तो, उसको जब पता है कि मैं जलेबी फाफड़ा लेने गया हूँ, और वो ऊपर से मुझे कह रहा है कि पापा मेरे लिए ज्यादा जलेबी मंगाना, फिर भी ये पीछे से वार किया उसने। ये तो अच्छा हुआ डिलीवरी बॉय मुझे मिल गया और उसने मुझे पार्सल दे दिया, और अगर मैं भी गया होता जलेबी फाफड़ा लेने तो डबल डबल हो गया होता ना। पापा मुझे एक बात बताइए, आप फाफड़ा जलेबी कहाँ से लाते? कहाँ से लाते हैं क्या, जहाँ से हर बार लाता हूँ वहाँ से, मुरलीधर से। अच्छा, तो पापा आप मुरलीधर में फोन करके पूछिए कि जलेबी फाफड़ा है कि नहीं, पूछिए। क्यों? अरे पूछ तो सही। हाँ किंजल भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जरा जलेबी फाफड़ा लेने। हाँ खत्म हो गए इतनी जल्दी? अच्छा ठीक है, कोई बात, चलो। सुना पापा, फाफड़ा जलेबी खत्म हो गए ना? पापा आज रविवार है, और आपको तो शायद पता ही होगा ना कि मुरलीधर में हर रविवार को 10:30 बजे तक जलेबी फाफड़ा खत्म हो जाते हैं। और जब आप घर से निकले जलेबी फाफड़ा लेने के लिए, तब आपने शायद टाइम नहीं देखा था, फिर आप मेहता अंकल के घर जाने वाले थे और फिर वहां से फाफड़ा जलेबी लेने जाने वाले थे, तो जब तक आप वहां पहुंचते तो फाफड़ा जलेबी खत्म हो गए होते। और पापा आज आपको फाफड़ा जलेबी खाने का कितना मन था, और अगर नहीं मिलते तो आप दुखी हो जाते, इसलिए मैंने आपके बारे में सोच के जलेबी फाफड़ा ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए। वाह, यकीन नहीं हो रहा है, तू इतना समझदार हो गया है। जेठालाल, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे घर कह रहे थे कि टप्पू बहुत ना समझे। तभी पता नहीं था ना उसने ये समझदारी वाला काम किया है। सॉरी बेटा, पूरी बात पता नहीं थी, उसमें थोड़ी गलत फहमी हो गई। अरे इट्स ओके पापा। चाचा जी मैं भी सॉरी। अरे तू क्यों सॉरी? अरे मैंने आपको कहा था ना कि दादा को पोते से थोड़ा ज्यादा प्यार होता है, लेकिन दादा को अपने बेटे की भी शिकायत पे गौर करना चाहिए, इसलिए सॉरी। वैसे जेठाल एक काम बढ़िया हो गया, अब तुम्हें हर रविवार को जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे जलेबी फाफड़ा आ जाएंगे। नहीं 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 भाई, नहीं ये मंगाना नहीं है, मैं तो हर रविवार जाऊंगा ये लेने। क्यों जाना है भाई, जब घर बैठे मिल रहा है तो। नहीं नहीं, मैं तो साहब जाने तो ना भाई, मैं जाऊंगा। अरे भाई मैं तो, तू रहने दे, वो नहीं मानेगा, वही जाएगा, उसे मजा आता है ना। हाँ चलो, इसका क्या करना है? अरे क्या करने के, खाते हैं चलो। ए फाफड़ा खिला, क्या खाते हैं, पहले हाथ तो धोले। नहीं नहीं जेठा, खाने के पहले हाथ धोना तो बहुत जरूरी है, और वैसे भी इस कोरोना काल में तो सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, हम यहाँ हाथ धोते हैं, दे दो। हाँ, ये ले, ये रख दे, हम आते हाथ धोते, आइए भाई, हम प्लेट में। जेठालाल हाथ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भाई, जल्दी आओ। आ गया भाई, आ गया, आज तो आपको जलेबी फाफड़ा खाने में मुझसे भी ज्यादा तालावेली है। क्यों नहीं होगी भाई, तुम्हें तो पता है अंजलि एक बार मार्केट से आ गई तो मुझे आधा मिलीमीटर भी खाने को नहीं मिलेगा जलेबी फाफड़ा। मतलब महतूस, तू अंजलि बेटी को बिना बताए जलेबी फाफड़ा खाने आए? हाँ हाँ बापू जी हाँ। मतलब तू अंजलि बेटी को अंधेरे में रख के जलेबी फाफड़ा खाएगा? नहीं नहीं बापू जी, अंजलि भाभी अंधेरे में क्या है, वो तो मस्त उजाले में मार्केट में शॉपिंग कर रहे। ए महतूस, तुझे जलेबी फाफड़ा खाने नहीं मिलेगा। क्यों बापू जी? तुझे भी नहीं मिलेगा। मैंने क्या किया? तो मैंने भी क्या किया? अरे आप तो अंजलि भाभी को अंधेरे में रख के आए ना, और तूने अंजलि बेटी को अंधेरे में रखने में महतूस का साथ दिया, इसलिए तुम दोनों को जलेबी फाफड़ा खाने नहीं मिलेगा।
से कहाँ जा रहे? मतलब सब बुला रहे हैं बापूजी, आइए वापस आइए, आइए वापस। बुला नहीं रहे हैं जेठालाल, चाचा जी पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ चाचा जी। क्यों? वो क्या, आपने कहा जलेबी फाफड़ा खाने को मिलेगा नहीं तो रुक के क्या करूँ, आप लोगों को खाता हुआ मुझसे देखा नहीं जाएगा ना। चला बैठ जा बैठ जा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे मैं तो उसके साथ मजाक कर रहा था, तेरे साथ नहीं। तुझे जलेबी फाफड़ा खाने नहीं मिलेगा बापू जी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा परम मित्र है उसे भी खाने दीजिए ना, जलेबी फाफड़ा कितना पसंद है खाने दीजिए ना। चल ठीक है, तू कह रहा है तो खाने दे रहा हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप नहीं होता तो मुझे आज मिलते नहीं यार जलेबी फाफड़ा खाने। अरे टप्पू चल ला भाई, कितनी देर। हाँ भाई टप्पू, इससे पहले कि हमारे जलेबी फाफड़ा को किसी और की नजर लगे जल्दी ले आओ भाई। चलो चलो। अरे रुको रुको, सांस तो लेने दो। ले ली सांस, चले। हाँ चलो, गड़ा हाउस में चल के मिशन की शुरुआत करते हैं। अरे मिशन नहीं, हम लोग जो करने जा रहे हैं हाथी भाई, उसको महामिशन बोलो, महामिशन। हाँ सही बात है, महामिशन। क्या हुआ रिमा सर? गड़ा हाउस में से खाने की खुशबू आ रही है। चलो चलो चलो। अरे आ गए गर्मा गर्म फाफड़ा, केसर युक्त जलेबी, सांबर और मिर्ची। वाह मौज। अरे भाई तो इंतजार किस बात का, शुरू करें? हाँ ले क्या प्रभु का नाम। अरे वाह, जलेबी फाफड़ा की खुशबू थी। आइए आइए ज्वाइन कीजिए हमें भी। एक मिनट बेटा, बेटा तू तो ना बोल रहा था ना कि तुझे नहीं खाना जलेबी फाफड़ा। हाँ लेकिन तुमने बोला था ना कि मैं एक्स्ट्रा ला रहा हूँ, अगर मन हुआ तो आ जाना, तो हो गया मन। अच्छा किया, आ जा आ जा आ जा। आइए 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 आइए, बिल्कुल दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आइए आइए आइए, ये लीजिए डॉक्टर, आते ही लीजिए। ले बेटे बेटे, अरे तुम ले लो ना। अरे मैं लेता हूं, ले लो सही। हां ले जे ले तू ले। अरे बाबू आप, अरे मैं आ गए। अच्छा टप्पू तो ले। नहीं नहीं आप लीजिए, तो ले ना, मैं मेरे लिए और मेरे सबके लिए खाली प्लेट लेके आ। हां खाइए खाइए खाइए, आप लोग खाइए। अरे मैं तू ले, तू शुरू कर। अरे नहीं चाचा जी आप खाइए प्लीज। अरे मैं तो अंकल आप मेरी प्लेट ले लीजिए। बेटा खा लो, तुम्हारे पापा लेने गए ना, प्लेट एक मिनट लगेगा, आ जाएंगे अभी। ठीक प्रतिम।